खाने की ईद सब मिलकर मनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। हमारी रौनक ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो इबादत और जो रमज़ान में रोज़े रखे हैं उनको कबूल फरमा दे। अल्लाह पाक उसमें अगर हमसे कोई गलती कोताही हो उसे माफ़ फरमा दीजिएगा, और अल्लाह ताला ये ईद सबको बहुत अच्छी तरह से गुजारना नसीब करे अपने प्यारों के साथ। हमेशा अपने छोटे, अपने से जो नीचे वाले हैं उनका भी इन ऐसे ख़ास मौक़ों पे बहुत ख्याल रखा करें। और अननेसेसरी प्लीज़ बाहर भाग दौड़ ना कीजिए, घर में रहिए, सुकून से रहिए, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारिए, ठीक है। आज हम आप लोगों को क्या बनाना सिखा रहे हैं, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं दम पुक मलाई मुर्ग। इतना इजी है, सब चीज़ डालें, मैरिनेट करें और आपने उसको बस पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। बेहतरीन आसान रेसिपी, पराठे के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, रोगनी नान के साथ करें, आपकी अपनी चॉइस है। और दूसरी रेसिपी जो बन रही है वो है ज़ाफ़रानी कौरमा, ठीक है, ये ख़ास फरमाइश थी, मैंने कहा चलें इसको पूरा करते हैं। और तीसरी रेसिपी हम आपके लिए बना रहे हैं मालपूड़े। आप यकीन जाने रमज़ान में ये हमारे मेमनी लोग के बहुत ही फेवरेट होते हैं और बहुत हम लोग बनाते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ ही नहीं कि इस दफ़ा रमज़ान में मैंने ये बनाया हो, एक दफ़ा भी नहीं बनाया। हमने दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलें आज आप लोगों को भी सिखाते हैं। बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बनते हैं। नाश्ते पे बनाएं, ब्रंच पे बनाएं, शाम में भूख लग रही है चाय पे बनाएं, हेल्दी है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने काउंटर की तरफ, अपनी किचन की तरफ चलते हैं। और पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का दम पोक मलाई चिकन, ठीक है। ओके, 1 किलो मुर्गी, 12 पीसेस, और इसको आप कट्स लगा लीजिए। ठीक है, कट्स लगा दिया। कट्स लगाने के बाद सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हैं सब कुछ इसमें जाएगी और ये मैरिनेट होगा और बस हम इसको कुकिंग के लिए डाल देंगे। प्याज के लच्छों के साथ आप इसको सर्व करेंगे, पुदीने के साथ। हल्का कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि ये भी गर्म होता रहे और चिकन मैरिनेट। अच्छा देखें, आप घर में जब इसको मैरिनेट करेंगे ना, प्लीज़ लीव इट फॉर अ फ्यू आवर्स, ठीक है, 4-6 घंटे छोड़ दीजिएगा। सब में पहले हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, दैट्स ऑल स्पाइस पाउडर। वन टीस्पून, फिर इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1.5 चाय का चम्मच, फिर इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, फिर इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, एक कप दही डाल दी। फिर इसमें जाएगा लाल प्याज पिसी हुई 3 टेबलस्पून, मोटी मोटी दरदरी सी, ये देखें, ठीक है, ये चली गई। फिर इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ये चला गया। हरी मिर्चें चॉप्ड ये रखी हुई हैं, ये हम आखिर में दम पे डालेंगे। और क्रीम 2 टेबलस्पून, ये हम बाद में डालेंगे।
और उसके बाद में मक्खन में हम इसकी कुकिंग करेंगे, और मक्खन हम यूज़ करेंगे लोलपाक का, और नमक जाएगा इसमें 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, जायफल गिरा, जावित्री 1/4 टीस्पून, जायफल 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची 1/2 टीस्पून, सबको अच्छी तरह मिक्स कर दें। तेल है इटालिया का, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इनके पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड पामेस, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं इटालिया के पास। ओके, ये देख, ये हो गया। अब तेल गरम किया है हमने, उसमें हमको डालना है मक्खन 2 टेबलस्पून, लोलपाक का बेहतरीन बटर जो कि आपको हर जगह बासानी मिल जाता है, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी ग्रोसरी स्टोर पे यूरोपियन ब्रांड है। रौनक ईद, आप हमारा ईद का शो देख रहे हैं मसाला टीवी से, और दम पुख्त मलाई मुर्ग चढ़ाया है मैंने आपके सामने, और उसको दम पे ही पकेगा, आराम से देखें ये पक रहा है, ये देखें, ठीक है,
अपना आराम से इसको 45 मिनट्स आप दे दें, कुछ भी नहीं करना है, बस भूल जाएं। 3-4 घंटे मैरिनेट करें और कुकिंग के लिए डाल दें मक्खन लूपाक में और इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ज़ाफ़रानी चिकन कोरमा। आप इस कोरमे को बिल्कुल मटन से भी बना सकते हैं, ठीक है। 1 किलो मटन ले लीजिएगा, थोड़े बड़े पीसेस करवाइएगा। 1 किलो मटन में भी आपके 12 पीसेस आ जाएँ, हड्डी वाला गोश्त हो और रान का गोश्त हो, और उसके साथ आप बनाइए। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप लेंगे। कोरमा बेहतरीन घी में अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने घर में भी हमेशा प्रेफर करती हूँ कोरमा इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में बना। जो खुशबू आ रही थी इसकी, लग ना जाए। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख लिया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोरमे के लिए मेरे पास दूध पड़ा हुआ है 1/4 कप जितना है, और इसमें मुझे भिगोनी है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रानी कोरमा है तो आप ज़ाफ़रान भिगो गरम दूध में, ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अच्छा जी, सब में पहले हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून, और आप साथ में ही चिकन डाल दीजिए। एक किलो चिकन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, ताकि चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए, ठीक है। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैंने अपनी माँ से सीखी है कि कोरमे में हल्दी कभी नहीं पड़ती है, ठीक है। उसका जो कलर एक होता है ना कोरमे का, वो चेंज हो जाता है, तो कोरमे में कोशिश करें हल्दी नहीं डाला करें। जायफल डालूँगी, जावित्री डालूँगी। अच्छा, यहाँ हम मसाले निकाल लेते हैं। नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 2.5 टीस्पून, ठीक है। 2.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, नमक डाल दिया, लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया, और धनिया पाउडर जाएगा इसमें 3 टीस्पून। एक दो ठीक है, 3 टीस्पून ये चला गया। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून है, ये हम बाद में डालेंगे। ये मेरे पास पड़ी हुई है जावित्री, ये पड़ा हुआ है मेरे पास जायफल, इसी में हम डाल लेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, फिर वही बात है कि कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये कलर चेंज हो चुका है, चिकन पिंक से वाइट हो चुकी है। ये देखिए सारे मसाले, थोड़ा सा पानी। हमेशा बताया है, जब भी कोई चीज़ बनाएं मसालों के साथ, फौरन से पानी डाला करें, ताकि आपका मिर्चें जाके अंदर जले नहीं।
ठीक है, ये हो गया, कवर करेंगे। ओके, दही रखी हुई है मेरे पास 1.5 पाव, कितनी होती है 1.5 पाव, 1.5 कप, और इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून हीट, कितना 4 टेबलस्पून हीट जाएगा लाल प्याज। वही अच्छा, आप लोग कहते हैं हमारा कोरमा दानेदार नहीं बनता है जैसा बाज़ार में बनता है, दानेदार कोरमा उस वक्त बनेगा जब आप अपनी प्याज को मोटा मोटा दरदरा से, मेरा हाथ देखिए, इस प्याज में दाना है, ठीक है, तो ये दानादार कोरमा बनेगा। अगर आप प्याज को बिल्कुल पेस्टी कर दोगे, पीस के बिल्कुल पेस्ट जैसी हो जाएगी, तो वो कोरमा फिर दानेदार नहीं बनेगा। ये मेरे पास दही रखी हुई है 1.5 पाव या 1.5 कप, इसमें आपने डाल दिया 4 टेबलस्पून दानेदार प्याज, लाल प्याज को मोटा मोटा क्रश कर लो बेलन से। ठीक है, अब ये मैं इसी में डाल रही हूँ, और जब हम ये डालेंगे तो प्लीज फौरन से ख्याल रखिएगा चूल्हा बंद कर दें, वरना दही जाके फट जाएगी, वो अजीब सी हो जाती है। चूल्हा बंद कर रही हूँ, चूल्हा बंद करके फिर मैं ये डाल दूँ। ये देख, ठीक है, इसको लाजमी आप शीरमाल या ताफ्तान के साथ सर्व करेंगे। ठीक है, अब मैं वापस से इसका चूल्हा जला रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए ताकि उस टेम्परेचर पे दोनों साथ आ जाएं। बस अब आप इसको वापस से कवर कर दीजिए और इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट कुक करेंगे, जब तक कि ये गल जाए। जब ये गल जाएगी तो आखिर में इसमें जाएगा जायफल पाउडर पिसा हुआ, जावित्री का पाउडर पिसा हुआ क्वार्टर टीस्पून, गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, दूध 1/4 कप सोक्ड विद 1/2 टीस्पून ऑफ ज़ाफ़रान। चूँकि ये ज़ाफ़रानी चिकन है तो इसमें ज़ाफ़रान ज़्यादा डाल रही हूँ, ज़ाफ़रानी कोरमा इसकी। अच्छा, ये देख लीजिए, ये आराम से पक रही है स्लो पे, ठीक है। इसमें मैं इस वक्त थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ। चले जी, यहाँ पे वक्त आ चुका है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम टू रौना के ईद, और इस वक्त बन रहा है हमारे शो पे बेहतरीन सा दानेदार ज़ाफ़रानी कोरमा और दम पुख्त मलाई मुर्ग। ठीक है, ज़ाफ़रानी कोरमे के लिए 1 किलो चिकन लीजिए, जिसके बड़े टुकड़े करवाने हैं आपको 8, बट आई यूजली डू मेक इट विद 12 ओनली, ठीक है। लेकिन जो बाज़ार में शादियों में जो कोरमा होता है वो 8 टुकड़े से मिलता है, बड़े बड़े होता है। अच्छा, मैंने क्या किया, तेल गरम किया, उसमें अदरक लहसुन डाला और साथ में चिकन डाल दी। चिकन डाल के अच्छी तरह 5-7 मिनट उसको आपने भूना, ताकि चिकन हमारी पिंक से वाइट हो गई। फिर मैंने उसमें मसाले शामिल किए, मसाले में मैंने डाला उसमें 2.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच नमक, धनिया पाउडर 3 चाय का चम्मच, ठीक है, वो डाल दिया। साथ में थोड़ा सा पानी, 1/4 कप पानी डाल के उसको ज़रा सा भून लिया। भूनने के बाद हमने उसको कवर करके छोड़ दिया
पाँच सात मिनट उसको पकने दें। फिर मेरे पास डेढ़ पाव यानी कि डेढ़ कप फटी हुई दही थी, उसमें मैंने प्याज डाली लाल, चार से पाँच टेबलस्पून डालिएगा, जितनी आपको अच्छी थिक ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं डालिएगा फिर उससे कोरमा आपका मीठी की तरफ चला जाएगा। वो डालना है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि प्याज आपकी दानादार हो, साबुत भी ना हो, वो तो तैरेगी, और एकदम बारीक पेस्टी भी ना हो, वरना वो कोरमा दानेदार नहीं बनेगा। वो हो गया, वो डालने के बाद हमने उसका चूल्हा बंद करके फिर वो दही और प्याज वाला मिक्सचर डाला। चूल्हा इसलिए बंद किया, अगर गरम गरम में मैं दही डाल दूँगी वो फट जाती है, दाना दाना उसका अलग उसमें फुटकी फुटकी जैसी आ जाती है, तो वो हमें नहीं चाहिए, वी वॉन्ट ए स्मूथ कोरमा। ठीक है, वो हमने डाल दिया और उसको कवर करके छोड़ दिया कुक करने के लिए, जब तक कि थिक ग्रेवी रह जाएगी और चिकन गल जाएगी। फिर हम इसमें आखिर में डालेंगे जायफल, जावत्री पिसी हुई क्वार्टर क्वार्टर टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, और मैं इसमें शामिल करूँगी दूध और ज़ाफ़रान, ये जो रखा हुआ है, और केवड़ा, मेरे पास इधर केवड़ा था, केवड़ा भी मैंने दूध वाले मिक्सचर में ही डाल दिया है। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको हिला लेते हैं, ये देखिए मुझे तो अभी से इसकी टेक्सचर दानेदार लग रहा है। आप अगर क्लोजअप आपको हमारा कैमरा दिखाएगा आप देखो, है ना, बस यही छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आप फॉलो करो, बिल्कुल बाजार की तरह कोरमा बनेगा। ठीक है, और इसको भी हम देख लेते हैं, दम पुख्त मलाई मुर्ग, जबरदस्त। आज की दोनों चीजें आपको हल्की आंच पे पकानी है, कोरमा भी बहुत मजे का बनेगा जब आप उसको दरमियानी आंच पे बनाएंगे, तेज पे ऐसी चीजें मजे नहीं देती आपको। ठीक है, अब पकने दें, हमारा कोई काम नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, मीमी मालपूरे। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए दो कप मैदा और आधा कप सूजी। इसके लिए भी आपको करना ये, मैं भिगा के लाने वाली थी लेकिन मैंने कहा नहीं, आपके सामने करना बेहतर है। इसको बना के ना, इसके मिक्सचर को बना के आपको कम से कम 5 से 6 घंटे छोड़ना है, कम से कम, तो सूजी फूलती है और बेहतरीन मालपूड़े बनते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं तो आपके सामने करूँगी, आपके सामने बनाऊँगी। आपके लिए भी अगर प्रॉब्लम है, मजबूरी है, फ़ौरन बनाना है, कर लें फ़ौरन, लेकिन बेहतर है। ठीक है, ओके, हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 कप का ज़ाया होगा, फिकेगा, आधा कप सूजी, ये मेजर्ड है। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, चीनी जाएगी इसमें 1/2 कप हीप्ड मेरी। अच्छा एक बात, आधा कप आप काट दो, इसमें आप 3/4 कप लिखो, बिकॉज आधा कप में ना वो मिठास नहीं आती, फीका फीका रहता है मालपूड़ा, 3/4 कप। ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा, 3/4 कप चीनी चली गई। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 अंडे, पांच भी जा सकते हैं, चार अंडे। ठीक है, फिर इसमें हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून, इलायची पाउडर चला गया, जर्दे का कलर 1/4 टीस्पून। अच्छा एक बात याद रखिएगा,
मैं तो चूँकि मुझे अभी बनाना है ना, तो मैं सोडा अभी डाल रही हूँ, ठीक है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, जो आप पकौड़ों में सोडा डालते हैं वो सोडा, सोडा बाइकार्ब, ठीक है, हाफ टी स्पून, ये मैं इसी वक्त डाल रही हूँ। लेकिन आप नहीं डालेंगे, आप बैटर बनाएंगे, इसको आप 5 से 6 घंटे छोड़ दीजिए, फ्राइंग करने से पहले इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है। ओके, हाफ टी स्पून। और पानी टू मेक बैटर। अभी हटा रही, आई नो इट्स इन द वे। ये देखें, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, एक कप पानी ले रही हूँ, देखूंगी और चाहिएगा और ले लूंगी। बहुत मजे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ देखती हूँ 3/4 कप डाला है, एक से ज्यादा जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है आपके पास बीटर हो, आप हैंड बिस्क से भी कर सकते हो। रबड़ी के साथ सर्व करें, जो आपकी घर की ताज़ी मलाई आती है दूध के ऊपर, मलाई उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। एक कप चला गया है पूरा पानी, मुझे पता है और भी जाएगा इसमें। ब्रेक आ गई है जी, हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं, कुछ नहीं डाल रही, सिर्फ बीट कर रही हूँ। वापस आके फिर इसमें पानी, अगर ज़रूरत, पानी ज़रूरत है लेकिन आके आपके सामने ही डालते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक टू रौनक ईद। और हमारी ये जो दम पुख्त मलाई मुर्ती, ये तकरीबन रेडी हो चुकी है, बिकॉज़ जो इसकी ज़बरदस्ती यहाँ खुशबू है, ये देखें और टेक्सचर है। आप इसकी एजेस पे देखें, आपका मक्खन और जो घी हमने डाला था वो आ गया है, और ग्रेवी आपकी कितनी उम्दा रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसको आप वही शीरमाल, ताफ्तान, मानसलवा के पराठे, नान, रोगनी नान, गार्लिक नान, किसी चीज़ के साथ भी, मटर पुलाव के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़ाफ़रानी कोरमे में मैं ये आखिरी की 3 चीज़ डाल रही हूँ। ज़ाफ़रान और दूध, ठीक है। उफ़, माशाल्लाह क्या खुशबू आई है। बॉइल्ड एग के साथ फ्राई कर सर्व कर सकते हैं आप कोरमे को। अच्छा, मैं चूँकि हम मेहमान हैं, हम लोग, मैं अपने घर में जब कोरमा बनाती हूँ, मैं इसमें आलू डालती हूँ। आलू किस तरह डालती हूँ, बड़े बड़े आलू लेती हूँ, उसको मैं डीप फ्राई करती हूँ। जब आलू डीप फ्राई होकर लाइट गोल्डन हो जाते हैं, तो इस वक्त दम पे आपने वो फ्राई किए हुए आलू डाल दिए, ताकि उसमें जो भी कसर होती है वो उसमें पूरी हो जाती है, और मसाला वगैरह सब वो आलू में भी अंदर जज्ब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1 कप पानी तो इसमें चला गया था, लेकिन ये बैटर देखें कितना गाढ़ा है, ऐसा थोड़ी होता है मालपूड़े का, ठीक है, मैं पतला बैटर। यहाँ 3/4 कप और पानी है, आहिस्ता आहिस्ता देख के डालिए जितनी ज़रूरत पड़ेगी।
जितना मोटा बैटर होगा, जितना थिक बैटर होगा, उतने आपके मालपूड़े मोटे मोटे बनेंगे। हमें मोटे मालपूड़े नहीं चाहिए, हमें पतले मालपूड़े चाहिए और क्रिस्पी मालपूड़े चाहिए। खैर क्रिस्पी तो नहीं, एजेस क्रिस्पी हो जाते, बीच में तो सॉफ्ट ही होता है। पौने दो कप पानी चला गया है बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। घी में फ्राई होते हैं मालपूड़े, परफेक्ट। बस उसका चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद, डंपोक्त हो गई है हमारी। ज़ाफ़रानी मालपूड़े भी बनते हैं, आप उसको उसी तरह बनाएंगे, सेम रेसिपी है, सेम बैटर है, सेम सब कुछ है। थोड़ा सा क्वार्टर कप दूध लेंगे, उसमें आपने आधा चाय का चम्मच ज़ाफ़रान डाली, जिस तरह मैंने कोरमे के लिए डाली थी, उसको भिगो के गर्म दूध में और आपने इस बैटर में डाल दिया, तो आपके ज़ाफ़रानी मालपूड़े हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग। प्याज के लच्छे, पुदीने के पत्ते, नींबू, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी हरी मिर्चें बचाई थी ऊपर के लिए, डन। अच्छा जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, हम आ जाएंगे मालपूड़ों की तरफ। पाँच मिनट और, ये भी रेडी है, सिर्फ पाँच मिनट। परफेक्ट, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बैटर है। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, जब तक ये गर्म हो रहा है। जैसे ही गर्म होगा मैं एक एक, ये आधा कप है, ये मैं एक एक आधा कप का मिक्सचर इसमें डालूंगी और आप पाएंगे आपके सामने भी फ्राई करेंगे, परेशान नहीं होइए। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक।
जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए हमारे बेहतरीन समालपुड़े, परेशान नहीं हुए, आपके सामने भी बनेंगे। बिल्कुल आपके सामने डालूंगी, इनको निकालूं। अच्छा, पानी मैंने और डाला है, कम से कम आधा कप पानी, आप समझ लें इस बैटर में ढाई कप पानी। आप बनाएं, अपने प्यारों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए अपने घर ही में बैठ के ईद को। और ये बैटर बना के आप रख सकते हो, अचानक से कोई आ गया, आपने गरम गरम मालपूड़े चाय के साथ, शीरखुरमे के साथ दिए उनको, मलाई के साथ, रबड़ी के साथ। ये एजेस ऐसी आने चाहिए क्रिस्पी, बीच में क्रंच सॉफ्ट होगा, ठीक है, और वो उसमें होगा। ये देखें हमारा कोरमा भी तैयार है, मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। ब्रेक में मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। ये देखें, अच्छी तरह से घी निकाल लीजिए, छन्नी में निकाल लें, या तो इस तरह दो स्पून से दबा के निकाल लें। वो देखें मालपूड़े मेरे जो मैंने डिश में रखे हैं बिल्कुल ड्राई, एक्सेस घी निकाल दीजिए, और ये घी में फ्राई होंगे पीस, नॉट ऑयल। और इसी तरह पतले रखिएगा तो आपको मज़ा आएगी, गाढ़े में नहीं मज़ा आएगी, मोटे मोटे होंगे, ऐसा लगेगा पैनकेक्स खा रहे हैं आप, ठीक है। पैनकेक्स और मालपूड़े में बहुत फ़र्क होता है। ब्रेक भी आ चुकी है जी, चलें हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और ब्रेक में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोरमा डिश आउट करते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक ईद, ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है।
बिल्कुल फ्रोजन होने चाहिए। जल रहा है, जरा सा ना देखो ना। चले कोई बात नहीं, हम दूसरा करेंगे। अच्छा इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा आपके जो पराठे हैं मानसलवा के, दे शुड बी फ्रोजन। ये जरा पैकेट काफी देर से बाहर रखा हुआ था। बहुत सारी चीजें, इनकी हर चीज लाजवाब है। जाफरानी कोरमा और दम पुख्त के साथ आप इसको सर्व करेंगे। फ्रोजन है ये, ठीक है। थोड़ा सा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अगर आपसे आज की शो की कोई चीज़ मिस हो गई हो तो रिकैप ब्रेक आएगा, आप उसमें चल के रिकैप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप ये सारी चीज़ें अपने घर में ट्राई कर सकें। ये दोनों चिकन वर्थ ट्राइंग है, एंड ऑफकोर्स द मालपुराज ऑल्सो। कैसे फूलता है, बेहतरीन। देखिए फ्रोजन है तो कितने आराम से निकल गया। और बहुत तेज ना हो चूल्हा, तवा आपका बहुत तेज ना हो। इसको आप दम पुख्त के साथ सर्व करें। अगर आपको कोरमे को ताफ्तान और शीरमान के साथ करना है तो मानसलवा के पराठे को आप दम पुख्त के साथ सर्व करें। एक इसी के साथ इधर वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का, तो आप चल के देखिए रिकैप। आज की हो सकता है आपसे कोई चीज़ भी मिस हो गई हो तो आप उसमें कैच कर दीजिए, ठीक है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग रौनक ईद ओनली ऑन मसाला टीवी। दम पुख्त मलाई मुर्ग अज्जा चिकन 1 किलो 12 टुकड़े, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना और कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, भुना और कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, ब्राउन शुगर 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने के चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरी इलायची 1/2 चाय का चमचा,
पिसी जायफल एक चौथाई चाय का चम्मच, पिसी जावित्री एक चौथाई चाय का चम्मच, तेल एक चौथाई कप। तरकीब, चिकन के टुकड़ों पर कट्स लगा दें, फिर एक बोल में दही और तमाम सीजनिंग मिलाकर चिकन शामिल करें और एक घंटा मैरिनेट कर लें। अब मक्खन और तेल गर्म करके मैरिनेट चिकन 35 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में पराठे के साथ सर्व करें। ज़ाफ़रानी कौरमा। अज्जा, चिकन 1 किलो, 12 टुकड़े, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 3 चाय के चम्मच, दही 1.5 कप, पिसी सुर्ख प्याज 4 खाने के चम्मच, पिसी जायफल 1/4 चाय का चम्मच, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चम्मच, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चम्मच, गर्म दूध 2 खाने के चम्मच, केवड़ा 1 खाने का चम्मच। तरकीब, पैन में तेल गर्म करके अदरक और चिकन 5 मिनट फ्राई कर लें, फिर इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और 1/4 कप पानी शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद दही और पिसी सुर्ख प्याज डालकर ढकें और इसे इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसमें पिसा गर्म मसाला, ज़ाफ़रान और केवड़ा डाल के दम दें। आखिर में डिश में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। मालपूरा। अच्छा, मैदा 2 कप, सूजी 1/2 कप, अंडे 3 से 4 अदद, पीला रंग 1/2 चाय का चम्मच, पिसी इलायची 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 चाय का चम्मच, चीनी 1/2 कप, घी फ्राइंग के लिए, मलाई सर्विंग के लिए। तरकीब, एक बोल में मैदा, सूजी, अंडे, पीला रंग, पिसी इलायची और चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और पानी से बैटर तैयार कर लें। फिर इसे 4 से 5 घंटे छोड़ दें। उसके बाद बेकिंग सोडा शामिल करके मिक्स कर लें। अब फ्राइंग पैन में घी गर्म करके 1 खाने का चम्मच मैदे का मिक्सचर डालें और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। आखिर में मालपूरा मलाई के साथ सर्व कर दें। रौनक ईद सब मिलकर मनाएं। जी जनाब, आज का शो रौनक की ईद आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चीज़ें तीनों ट्राई करिएगा, वर्थ ट्राइंग है। मैं ख़ुद आपसे कह रही हूँ कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कोरमा मेरे स्टाइल से बनाइए, दम पक मलाई मुर्ग बनाइए, मालपूरे तो खैर जवाब ही नहीं है। मन शलवा की प्रोडक्ट्स लेके आइए और ईद को और रौनक ईद बनाइए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त से प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हिफाजत में रहिए, सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए, मास्क पहन के रहिए। कहीं भी अगर ज़रूरी जाना भी है, प्लीज़ मास्क के बगैर नहीं जाए, ठीक है। SOPs का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।